हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड इट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन ख़त्म हो गई है अभी डू दिस करते हैं ऑन अ स्क्वायर पेपर ड्रॉ फाइव स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म द लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर एंड स्क्वायर फाइव पेरीमीटर लिखेंगे और एरिया लिखेंगे देन लेंथ अपॉन पैरीमीटर रेशियो निकालेंगे हम एरिया निकालेंगे राइट right, सारे स्क्वायर का देन लेंथ अपऑन एरिया करेंगे फाइंड वेदर द लेंथ ऑफ साइड इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर राइट लेंथ ऑफ साइड पैरीमीटर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है हाँ यस yes, आएगा फर्स्ट का आंसर यस ओके तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्योंकि जैसे लेंथ ऑफ साइड बढ़ेगा तो पैरामीटर बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा ओके देन द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक हलवा फॉर फाइव पर्सनस सूजी या रवा इज इक्वल टू टू फिफ्टी ग्राम शुगर इज इक्वल टू तो थ्री हंड्रेड ग्राम घी इज ईगल टू टू हंड्रेड ग्राम वाटर इज ईगल टू फाइव हंड्रेड एम एल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोशन एस्टिमेट द चेंजेस इन द क्वान्टिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट्स टू प्रिपेयर हलवा फॉर योर क्लास राइट यहाँ पर विंडो बताया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का है चूज द स्केल एंड मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम स्विंग विंडोज डोर्स ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा एंड एग्जाम्पल इज गिवन इयर राइट right, यहाँ पर दिया है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विंडो है डोर है राइट right? तो यहाँ पर ये फाइव सेंटीमीटर बताया गया है वन इज टू टू हंड्रेड ऐसा कुछ बताया राइट right? तो ये विंडोज़ बताइए फिर ये ब्लैक बोर्ड है ओके डोर बताया स्केल दिया है हमें ओके okay? तो ऐसे बनाने का बोला है थिंक डिस्कस एंड राइट टेक अ फ्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड सो फार अंडर डायरेक्ट वेरिएशन डू यू थिंक दैट दे कैन बी सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड हाँ डायरेक्ट प्रपोशन के जो सम्स हैं वो यूनिटरी मेथड से हो सकते हैं तो ये भी आपको क्वेश्चन लिख के करना है आंसर यस yes लिखना है ओके इनवर्स प्रपोशन टू क्वान्टिटीज मे चेंज इन सच अ मैनर दैट इफ़ वन क्वान्टिटी इंक्रीजिज द अदर क्वान्टिटी डिक्रीजिज एंड बाइस वर्षा राइट तो एक क्वान्टिटी बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्सन राइट right. डायरेक्ट प्रपोशन में क्या होता था एक बढ़ती है दूसरी बढ़ती है एक कम हो जाती है दूसरी कम होती है राइट फॉर एग्जाम्पल एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजिस टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजिस राइट ज़्यादा वर्कर काम करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा सिमिलरली इफ यू इंक्रीज द स्पीड द टाइम टेकन टू कवर दि गि डिस्टेंस डिक्रीजेस राइट स्पीड हमारी बढ़ेगी डिस्टेंस कवर करने में तो कम टाइम में हम पहुंच जाएंगे टू अंडरस्टैंड दिस लेटेस्ट लुक इन टू द फॉलोइंग सिचुएसन जहीदा कैन गो टू हर स्कूल इन फोर डिफरेंट वेज बराबर ज़हीदा अपनी अपने में चार अलग अलग रास्तों से जा सकती हैं सी कैन वॉक रन साइकिल और गो बाय कार राइट तो वॉकिंग करके जा सकती हैं दौड़ के जा सकती हैं साइकिलिंग से जा सकती हैं कार से जा सकती हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर तो वॉकिंग में थ्री आवर्स लगते हैं टाइम टेकन थ्री किलोमीटर पर आवर है स्पीड बराबर तो टाइम कितना लगता है थर्टी मिनट लगता है रनिंग सिक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो टाइम टेकन कितना होगा फिफ्टीन बराबर आधा हो जाता है तो स्पीड बाय साइकिलिंग नाइन किलोमीटर पर आवर तो टाइम टेकल टेन मिनट्स हो जाती है कार से जाती हैं तो 45 फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो टाइम टेकन है टू मिनट्स राइट ऑब्जर्व दैट एज द स्पीड इंक्रीजेज टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस एज दही द डबल्स हर स्पीड बाई रनिंग टाइम रिड्यूसेस टू हाफ एज इंक्रीजेस हर स्पीड टू थ्री टाइम्स बाई साइकलिंग राइट तो यहाँ पर क्या होता है स्पीड उसकी डबल हो जाती है तो टाइम यहाँ आधा हो गया स्पीड इसकी ट्रिपल हो जाती है तो टाइम इसका वन थर्ड हो गया राइट और यहाँ पर पंद्रह गुनाई हो जाती है राइट right. तो so, यहाँ पंद्रह से डिवाइड हो जाता है थर्टी डिवाइड बाई फिफ्टीन तो क्या हो जाता है टू हो जाता है मतलब hmm. जितना गुना वो स्पीड बनाती है तो उतना गुना टाइम कम हो जाता है राइट right. At observe that as she, as the speed increases, time taken to cover the same distance decreases as hida doubles her speed by running, time reduces to half. As she increases her speed to three times by cycling, time decreases to one third. Similarly, as she increases her speed to 15 times, time decreases to one fifteenth, or in other words. द रेशियो बाई विच द टाइम डिक्रीजिस इज इनवर्स टू द रेशियो बाई विच करस्पॉन्डिंग स्पीड इनक्रीजिस राइट तो जितनी स्पीड बढ़ती है उतना गुना टाइम कम हो जाता है राइट वी कैन से दैट स्पीड एंड टाइम चेंज इनवर्सली इन प्रपोशन राइट तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रपोशन में चेंज हो रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इज इट्स रेसि प्रोकल राइट right, कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल uh, है राइट मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है वो उसका रेसिप्रोकल है कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है वो उसका क्या है रेसिप्रोकल दस दस हाफ ऑफ द हाफ इज द इन्वर्स ऑफ टू एंड वाइस वर्सा नॉट दैट वन एंड वन बाई टू इज वन बाई टू 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 एन वन बाई टू एन वन बाई टू इंटू टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन होता है मतलब तो तो कोई भी नंबर को इन्वर्स मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा वन आएगा कट हो जाएंगे टू टू कट टू टू कट तो आंसर क्या बचेगा वन राइट right. दोनों केस में वन आंसर बचता है ओके okay. तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ओके okay.